नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। कोरोना काल में दिग्गज हस्तियों के इंटरव्यू लेने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज वीडियो जारी कर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए। विदेश नीति पर मोदी सरकार पर सवाल उठाने के बाद गुरुवार को उन्होंने एक और वीडियो जारी कर इस बार ये बताया कि चीन से कैसे निपटा जा सकता है। राहुल गांधी चले थे मोदी सरकार को घेरने, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी वीडियो के बहाने उन पर जोरदार तंज मारा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, राहुल बाबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिनकी सफल लॉन्चिंग की अनगिनत कोशिशें की गईं, लेकिन सब फेल। सुना है फिर रिलॉन्चिंग हुई, नतीजा फिर सिफर। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट ने भी ट्वीट कर कहा था, राहुल गांधी जी छवि बनाने के लिए तो आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी छवि नहीं बनी। छवि कर्मों से बनती, नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे कर्म किए। पैसों से छवि बनती तो आप किसी का नंबर नहीं आने देते। देश का पैसा लूटने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। बता दें, राहुल गांधी इन दिनों वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल के साथ के जरिए देश की चुनौतियों को बढ़ा रहे, साथ ही मोदी सरकार को भी घेर रहे। इसी सीरीज की तीसरी कड़ी गुरुवार को जारी की गई। इस दौरान राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। संस्थान भी पीएम मोदी की ब्रांडिंग का काम करने में व्यस्त है।